हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी आईफोन एक्स की बैटरी रिप्लेस करना का तरीका बताऊंगा। ये बैटरी है हमारे पास, ओरिजिनल नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोबाइल को ओपन कर लेंगे, नीचे वाले इसके पेज ओपन करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से आपने इसको उठाना है इस कॉर्नर से, ठीक है। और डिस्प्ले वैसे ऑलरेडी चेंज है, खुली हुई है लगती है, तो आसानी से ओपन होगी। ये जेन्युइन होगी तो उसकी टेप होगी, थोड़ी सी हार्ड होती है, ठीक है। उसे आप हीट लगा सकते हैं और वो इजीली ओपन हो जाएगी। इसके ये पेज आपने जेन में रखने हैं, बड़े पेज जहाँ से उतारे हैं वहाँ पे आपने वापस लगाने हैं। अगर बड़ा पेज छोटी जगह पे लगाएंगे, छोटी पेज वाली जगह पे, तो आपका बोल्ट डैमेज हो जाएगा, ये एहतियात रखनी है आपने। और आईफोन एक्स एक्सएस और एक्सएस मैक्स ये सेम ही है, इसी तरह की बैटरी होती है, ठीक है। थोड़ा सा एक्स मैक्स की बड़ी होती है, बाकी सेम है। तो ये बैटरी ऑलरेडी चेंज्ड है, तो इसे मैंने आसानी से उतार लिया। अभी इसे आपने इस तरह 530 यूज़ करके इसे क्लीन करना है, ठीक है। ये नीचे वाली जगह क्लीन होनी लाजमी है ताकि बैटरी सही बैठ सके, ठीक है। तो इसी के ऊपर बिठा देंगे तो फिर सही डबल टेप इसकी फिक्स नहीं होगी, सही बैटरी चिपकेगी नहीं, तो हिलती रहेगी, आवाज़ भी आएगी और सम टाइम मोबाइल बंद भी हो सकता है। जब बैटरी हिलेगी गिरेगा मोबाइल तो बंद हो जाएगा, इसलिए आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये बैटरी है, इसको आपने इसी ये स्टिकर उतार देना है। वहाँ पर इसकी जो ये फ्लेक्स है इसे थोड़ा सा आपने सीधा बराबर करके फिर इस पर लगाना है। तो ध्यान में रखें, यहाँ पे ये जो कनेक्टर है ना, इस पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी आपने, ठीक है। जहाँ पे ये फिक्स बैठेगा वहाँ पे आपने बिठाना है, ठीक है। ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे नीचे जो बोर्ड का जो कनेक्टर होता है जहाँ पे बैटरी फिक्स होती है वो डैमेज हो जाएगा, तो बैटरी सीवर परसेंटेज करेगा, यहाँ पर मसला आएगा, ठीक है। तो सही वाला स्टीकर भी उतार दिया हमने, ठीक है। इसको सही आपने बिठाना है, ठीक है, सही तरीके से, ताकि ये डिस्कनेक्ट ना हो और ख़राब भी ना हो। ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि इसी से सारा मोबाइल चलता है। बैटरी होगी तो मोबाइल चलेगा, बैटरी कनेक्ट नहीं होगी तो मोबाइल नहीं चलेगा। तो इसको आपने फिक्स कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी पत्री लगाएं, पेज जहाँ से जो उतारे हैं वहाँ पर लगाएं। एंटीने वाले जो है वाईफाई वाला, इसको भी थोड़ा सा प्रेस कर दिया मैंने ताकि वाईफाई लूज ना हो। पेज बड़े पेज जहाँ पे से उतारे हैं वहाँ बड़े पेज लगाएं, छोटी जगह पे बड़ा पेज नहीं लगाना। मिसाल के तौर पे आप ये वाला पेज अगर इधर लगाएंगे ना, ये बड़ा, तो ये नीचे जाएगा तो बोर्ड डैमेज हो जाएगा। ये यहाँ पर लगाना है जहाँ से उतारा है, ठीक है। और ये छोटे पेज यहाँ पर लगाना है, ठीक है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारे नए कारीगर जो है ना, वो इस चीज़ को, इसका उनका मसला आ जाता है, बोर्ड आईसी का, इसका चार्जिंग, इसके नीचे टाइग्रस लगी है वहाँ से चार्जिंग फिर छोड़ जाता है और सब मसले आ जाते हैं। तो इतना सा काम था, इतनी देर में देखें ये कंप्लीट हो गया। और इसमें कोई वीडियो मैंने कटिंग नहीं की, ये 4 से 5 मिनट का काम है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।